हाय एवरीवन, हिस्ट्री में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय या स्वायत्त राज्यों का उदय। अब इसमें जितने भी राज्यों का उदय हुआ था उन सभी राज्यों को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था और हम कैटेगरी वाइज बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि अवध, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, सिख। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड कैटेगरी के कुछ स्टेट्स को कवर करेंगे, जैसे कि जाट्स और अफगान्स को कवर करेंगे और राजपूत और केरल स्टेट को कवर करेंगे, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने मराठास और मैसूर का नाम नहीं लिया, तो देखिए बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक हैं ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सेपरेट वीडियोज़ में डिटेल में इनको कवर करेंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब देखिए, जाट और अफगान्स की बात करें तो जिस तरीके से मुगलों के पतन का लाभ उठाकर बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई, तो उसी बात का फायदा उठाते हुए नॉर्दर्न इंडिया में जाटों और अफगानों ने भी अपने अपने राज्यों की स्थापना की। क्लियर? इसमें अगर हम सबसे पहले जाटों की बात करें तो देखिए, ये जो जाट थे ये बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ स्प्रेडेड थे। तो देखिए, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा और दिल्ली वाली बेल्ट और पूर्वी राजपूताना का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाटों का प्रसार था, राइट? अब ये जो जाट थे बेसिकली एग्रीकल्चरलिस्ट कास्ट को बिलोंग करते थे, यानी कृषक समुदाय को बिलोंग करते थे। इन जाटों ने औरंगजेब की ऑपरेसिव पॉलिसीज, औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के विरोध में 17वीं सेंचुरी में विद्रोह करने शुरू कर दिए थे मुगल शासन के खिलाफ। हालांकि इन विद्रोहों को दबा दिया गया था, लेकिन ये जो पूरा एरिया है जहां जहां जाटों का विस्तार था, ये पूरा एरिया काफी समय तक अशांत बना रहा। और फिर 17वीं सेंचुरी के लेटर हाफ में, 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में बेसिकली कुछ जाट जमींदारों के अंदर ये महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई कि मुगलों के पतन का लाभ उठाकर वे अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें। और इसी तरीके से खास तौर से आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के जाटों ने सबसे पहले इसका प्रयास किया और इसी कारण उनका संघर्ष हुआ, सबसे पहले मुगलों से और फिर कुछ उस एरिया की इम्पोर्टेंट पावर से, जैसे कि राजपूत और अफगान भी उस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उनसे भी उनका संघर्ष हुआ। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 17वीं सेंचुरी। तो देखिए, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मैप है 18वीं सेंचुरी का, तो हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये अवध स्टेट है, फिर बंगाल है, नीचे हैदराबाद है, ये पूरा राजपूत स्टेट्स हैं और फिर यहाँ जो एरिया है बिटवीन अवध, राजपूत और ऊपर रोहिल्लास भी हैं, इनके बीच में जाटों ने अपने राज्य की स्थापना की। क्लियर? अब देखिए बेसिकली हुआ क्या कि जाटों के विद्रोह औरंगजेब के समय शुरू हुए, लेकिन इन विद्रोहों को बहुत आसानी से दबा दिया जाता था, क्योंकि उसका कारण ये था कि जाटों का कोई एक बहुत बड़ा नेता नहीं था जो उनको यूनाइटेड कर पाता और एक राज्य की स्थापना कर पाता, राइट? तो वो स्कैटर्ड तरीके से विद्रोह करते थे, इसलिए मुगल सरकार या मुगल अथॉरिटी बहुत आसानी से उनको दबा देती थी। देखिए, कोई भी कम्युनिटी तब तक जो है विकास नहीं हो सकता उसका जब तक कि उसको एक अच्छी लीडरशिप ना मिल जाए। तो जाटों को ये लीडरशिप बेसिकली मिली सूरजमल के द्वारा, जिसने क्या किया कि आगरा क्षेत्र के जितने जाट थे उनको सबको इकट्ठा किया और एक पावरफुल स्टेट में उनको कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब अगर हम सूरजमल से पहले कुछ जाट नेताओं की बात करें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं इसमें, जैसे गोकला, जिसको कभी कभी गोकुल भी कहा जाता है, फिर उसके बाद राजा राम और चूड़ामा। तो देखिए, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो कि औरंगजेब का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो औरंगजेब के समय पे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए और उसमें से हम एक जाट रिवोल्ट्स भी पढ़ते हैं, जाट विद्रोह भी पढ़ते हैं। तो उसका कारण ये था कि औरंगजेब ने जो इनटॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी या उसकी टैक्सेस को लेकर जो पॉलिसीज थी, उसके कारण बहुत सारे जाट नेता उनसे नाराज हुए और जाटों ने समय समय पर विद्रोह भी किया। जैसे सबसे पहले 1669 में मथुरा के पास तिलपत एक जगह है, वहाँ का एक जमींदार था गोकला, सबसे पहले उसने विद्रोह किया, फिर उसको जब दबा दिया गया तो उसके बाद राजा राम के नेतृत्व में 1680 में 1680 के आसपास विद्रोह होता है और फिर उसके बाद राजा राम के बाद उसका जो बेटा होता है चूड़ामन, वो 1690-91 के आसपास विद्रोह करता है। और चूड़ामन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसके नेतृत्व में जाटों ने
अकबर का जो टोम था उसको भी डग ओपन किया, उसको भी खोद डाला इस उम्मीद में कि शायद उनको कब्र के साथ गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिए कि चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने अकबर की कब्र को खोद लिया था। अब यहाँ पर चूंकि अकबर की कब्र का रेफरेंस है, उसके टोम्ब यानी उसके मकबरे का रेफरेंस है, इसलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अकबर का जो टोम्ब है उसका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो इनका थोड़ा सा क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ जाट लीडर्स दे दिए और आपसे पूछेगा कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्लियर। तो गोकला, फिर उसके बाद राजा राम, फिर चूड़ामन, राइट। तो अब इनके बारे में 18 सेंचुरी के जो प्रमुख नेता थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं चूड़ामन की, जिनका टाइम पीरियड था 1690 से 1721। अब इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेटर मुगल बादशाह था बहादुर शाह फर्स्ट, उसके द्वारा इनको मनसब दिया गया और इन्हीं के समय पर चूड़ामन के द्वारा एक स्वतंत्र भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, यहां से हमें ये पता चला कि भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था और किसके समय में भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय हुई थी और चूड़ामन के द्वारा हुई थी, राइट। अब ये जो मनसब शब्द आया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, मुगल प्रशासन में जो हाई ऑफिशियल्स होते थे, जो उच्च अधिकारी होते थे, उनको उनकी सैलरीज और अन्य सर्विसेज के बदले में मनसब दिया जाता था। इसमें कहीं कहीं कई बार कुछ लैंड भी उनको दे दी जाती थी, जिसका जो रेवेन्यू होता था वो उनको सैलरीज के रूप में मिल जाता था। तो जितने हाई ऑफिशियल्स होते थे उनको मनसब दिया जाता था और उन हाई ऑफिशियल्स के लिए टर्म यूज होता था मनसबदार, राइट। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात चूड़ामन के बारे में, तो देखिए हमने सिख स्टेट में पढ़ा था कि गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद सिखों को जो लीडरशिप प्रोवाइड की गई वो बंदा बहादुर के द्वारा की गई, और ये कहा जाता है कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में ही सिखों ने मुगलों के खिलाफ अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, क्लियर। तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय जब बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान हुआ और उस अभियान में चूड़ामन ने जो कि जाट नेता था उसने हेल्प की थी मुगल एम्परर की यानी बहादुर शाह फर्स्ट की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ही वॉज सप्रेस्ड बाई राजा जयसिंह सवाई ऑफ आमेर। तो आमेर के राजा थे सवाई जयसिंह, मुगलों से उनके रिलेशन ठीक ठाक थे और मुगलों द्वारा उनको आगरा का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि चूड़ामन ने एक फोर्ट बनाया था जिसको थीन का किला या थून का किला भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट जाटों का किला था वो। तो मुगल सेना ने सवाई जयसिंह के नेतृत्व में उस किले पर अधिकार कर लिया, इससे चूड़ामन की स्थिति काफी कमजोर हो गई और फिर कहा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर चूड़ामन ने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सा जाट नेता था जिसने सुसाइड किया था, जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो अब आपको पता है दैट वॉज चूड़ामन, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चूड़ामन के बाद बेसिकली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाट लीडर था दैट वॉज बदन सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1721 से 56 तक। अब ये बेसिकली चूड़ामन के भतीजे थे, राइट। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली जिसने 1748 में अटैक किया था उसके द्वारा बदन सिंह को राजा का टाइटल दिया गया, राजा की उपाधि दी गई। इसका मतलब कि अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को जाटों के राजा के रूप में स्वीकार किया, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ही इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। तो अभी हमने देखा था कि भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है बदन सिंह को, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा और आगे चलें तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जाटों के, जिनका नाम है सूरजमल। इनका टाइम पीरियड है 1756 से 63, क्लियर। तो इनके बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि ही वॉज द अडॉप्टेड सन एंड सक्सेसर ऑफ बदन सिंह। तो बदन सिंह के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने सूरजमल को गोद लिया था और वही फिर उनके उत्तराधिकारी बने। अब अंडर हिम द जाट किंगडम रीच इट्स जेनिथ। ये कहा जाता है कि सूरजमल के नेतृत्व में जो ये जाट राज्य था ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचा, राइट। एंड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में कि ही इज रिमेंबर्ड एज अ प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब।
इन्हें जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है, एंड द जाट यूलिसिस और जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? फॉर हिज स्टीडी इंटेलेक्ट एंड क्लियर विजन, उनकी जो सूक्ष्म बुद्धि थी और जो उनकी स्पष्ट दृष्टि थी, पहले से ही चीजों को भांप लेना, स्थिति को भांप लेना, अपने निर्णय पर अडिग रहना, तो इन सारी चीजों के कारण उनको जाट जाति का प्लेटो या जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, कभी कभी इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और संभवतः शायद इलिटरेट ही थे, और एक किसान की पोशाक पहनते थे, धोती कुर्ता इनकी वेशभूषा में शामिल रहता था। और कहा जाता है कि इनको केवल अपनी ब्रज भाषा, क्योंकि आगरा मथुरा के आसपास के क्षेत्र में भरतपुर राज्य था, तो भरतपुर बेसिकली राजस्थान में पड़ता है, आगरा के पास में है, तो इस पूरे एरिया में मथुरा से लेकर भरतपुर में जाट राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, और वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो कहा जाता है कि ये जो सूरजमल थे, इनको ब्रज भाषा के अलावा कोई भाषा बोलना आता भी नहीं था, लेकिन पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी, एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन इनको माना जाता है, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छा प्रशासक इनको माना जाता है, राइट। अब देखिए, इनका जो टाइम पीरियड था वो काफी शॉर्ट रहा, बहुत लंबे समय तक इनका शासन नहीं रहा, और दिसंबर 1763 में रोहिल्लाओं से लड़ते हुए इनकी डेथ हो जाती है। तो रोहिल्लास को हम आगे चल के पढ़ेंगे। रोहिल्लाओं ने नजीबुद्दौला के नेतृत्व में अटैक किया था और उनसे लड़ाई लड़ते हुए सूरजमल की 1763 दिसंबर में मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के साथ ही कहा जाता है कि जाट राज्य का भी अंत होता है, धीरे धीरे वह राज्य समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज सूरजमल्स रोल इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल की भूमिका। अब देखिए, ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये हुआ था 1761 में, और किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में हुआ था। क्लियर। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये बेसिकली बहुत डिसाइसिव बैटल माना जाता है भारतीय इतिहास का, बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट इस सेंस में भी था कि जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा कि इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की हार हो जाती है बेसिकली, और मराठाओं का हार जाना भारत के इतिहास को पूरे तरीके से प्रभावित कर देता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि मुगलों का पतन हो रहा था, और मुगलों के पतन के बाद एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट हो गई थी, और इस राजनीतिक शून्यता को भरने का जो प्रयास किया था वो मराठाओं द्वारा किया गया था। क्लियर। या हम ये भी कह सकते हैं कि मुगलों के पतन के साथ साथ उनकी जगह लेने की कोशिश की थी मराठाओं ने, और मराठे बेसिकली ये सपना देखा करते थे कि मुगलों के पतन के बाद भारत में वे एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेंगे, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है, और उनकी हार के साथ ही मराठाओं का ये जो सपना था कि वो भारत में मुगलों के पतन के बाद फिर से एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेंगे, वो सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, और इस लड़ाई में हार के बाद मराठा इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर दोबारा से वो अपनी पुरानी शक्ति को, पुरानी जो उनकी पावर थी उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, राइट। तो कुल मिलाकर बहुत ही टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आप इमेजिन करिए कि अगर इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा जीत जाते तो संभवतः भारत का इतिहास आज कुछ और होता, इतिहास हम कुछ और तरीके से पढ़ रहे होते, राइट। क्योंकि हो सकता है कि फिर मराठे एक बहुत स्ट्रांग पावर बन जाते, एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाते। हालांकि मराठे ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ, लेकिन हुआ क्या था कि मराठों की शक्ति में वो बात नहीं रह गई थी कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर पाते, राइट। अब ये सब जो कुछ हुआ था, इसमें हम देखेंगे कि मराठों की कुछ अपनी भी वीकनेसेस थी, कुछ अपनी भी कमजोरियां थी, जिससे वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, और पूरे भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल जाती है, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर सूरजमल की क्या भूमिका रही पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो देखिए, युद्ध से पहले जो पेशवा होते थे, है ना, पेशवा यानी कि मराठा राजा होता था, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पेशवा थी, और जो मराठा राजा था वो नाम मात्र का शासक था, वास्तविक जो रियल पावर्स थी वो होती थी बेसिकली पेशवाज के पास। हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम मराठा ही पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो हुआ क्या कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले पेशवा ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा सारे हिंदू शासकों के पास टू गैदर सपोर्ट अगेंस्ट अब्दाली, यानी कि अब्दाली के खिलाफ लड़ाई में
हिंदू राजाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, और इन्हीं प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि सूरजमल के पास भी गया और सूरजमल से बातचीत हुई, उनकी बैठक हुई, जहां सूरजमल से ये आग्रह किया गया कि वे अब्दाली के खिलाफ मराठाओं का साथ दें, और सूरजमल इसके लिए तैयार भी हो गए। लेकिन जब बात हुई कि अब्दाली के खिलाफ किस प्रकार से अभियान होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मराठाओं के बीच में और सूरजमल के बीच में सहमति नहीं बन पाई, और फिर सूरजमल ने जो है नाराज होकर मराठों का साथ देने से मना कर दिया। राइट, अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं मराठा भी जिम्मेदार थे, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉब्लम हुई वो एटीट्यूड की प्रॉब्लम रही, दृष्टिकोण की प्रॉब्लम रही। होना ये चाहिए था कि किसी भी तरीके से आपस में सहमति क्रिएट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मराठास जो है वो कहीं पर भी कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे बेसिकली। राइट, इस समय पे खास तौर से तो सूरजमल का साथ उनको नहीं मिल पाया, और सूरजमल जो है अलग हो जाते हैं मराठाओं से। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जब अब्दाली को इस बात का पता चला तो अब्दाली ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की, और उसने ये पूरा पूरा कोशिश की कि किसी तरीके से सूरजमल का साथ अब उसको मिल जाए। लेकिन जब उसको लगा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तब फिर उसने ये प्रयास किया कि कम से कम ऐसी कोशिश की जाए कि सूरजमल न्यूट्रल रहे। राइट, और जब बातचीत की गई तब सूरजमल कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने के लिए यानी तटस्थ रहने के लिए तैयार हो गए। तटस्थ रहने का मतलब है कि अगर वो मराठाओं का साथ नहीं देंगे तो अब्दाली का साथ भी नहीं देंगे, क्लियर, और ना ही किसी के अगेंस्ट होंगे वो। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात हुई कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले जो एक संभावना पैदा हुई थी कि जाट और मराठे आपस में मिलकर अब्दाली के खिलाफ लड़ेंगे, वो संभावना समाप्त हो जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से जो एक सहानुभूति थी, जो सिंपैथी थी सूरजमल की, वो अभी भी मराठाओं के साथ बनी रही, क्लियर। तो देखिए अब परिणाम क्या निकलेगा, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो जाटों ने साथ नहीं दिया मराठाओं का, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि द जाट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस लाइन को जरूर मार्क करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जाटों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बना मराठाओं की तरफ से, और ये कहा जाता है कि मराठों की हार का एक प्रमुख कारण ये था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जाटों का समर्थन या जाटों का सहयोग उनको नहीं मिल पाया, क्लियर। तो परिणाम यही निकला कि इस लड़ाई में मराठा हार जाते हैं, और बहुत सारे मराठा सैनिक और अधिकारी जब युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं तो वो जाट किंगडम में एंटर करते हैं, जाट राज्य में प्रवेश करते हैं, और जब वो प्रवेश कर जाते हैं जाट राज्य में, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जरूर थी मराठाओं के साथ जाटों को, तो उसी सिंपैथी के कारण जब सैनिक और बहुत सारे नागरिक भी इवन जाट राज्य में प्रवेश करते हैं अब्दाली की सेनाओं से बचने के लिए, तब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उनको खाना प्रोवाइड कराया जाता है जाटों के द्वारा, उनको उनका उपचार कराया जाता है, और यहाँ तक कि उनको कपड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस बात से एक चीज़ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं अंदर से ज़रूर जाट ये चाहते थे कि मराठाओं का साथ दिया जाए, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, खास तौर से ये जो मैंने कहा एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी। राइट, जब आपको ये पता है कि आपके सामने इतना बड़ा दुश्मन है तो कुछ भी करके आपस में मिल जाना चाहिए था, बट दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, और उसी का परिणाम भारत के इतिहास के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, काफी खराब रहा, क्लियर। तो यहां पर एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जाटों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग नहीं लिया था। पूरी बैकग्राउंड क्या थी, पूरी स्टोरी क्या थी, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ऑलराइट, तो ये पूरी कहानी थी जाट राज्य की। अब हम बात करते हैं अफगानों की। राइट, तो अफगानों से यहां पर बेसिकली मतलब है जो फर्रुखाबाद और रोहिलखंड का एरिया था, वहां पर जो अफगान स्टेट क्रिएट हुए थे, हम इस टॉपिक में उनकी बात कर रहे हैं। राइट, अब ये हुआ कैसे, देखिए बेसिकली मिड 18th सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसका राजनीतिक रूप से विघटन हो गया था, और उस विघटन के कारण ही, उस डिसरप्शन के कारण ही बहुत सारे अफगान माइग्रेंट्स के रूप में नॉर्दर्न इंडिया में एंटर कर जाते हैं, और उस वक्त नॉर्दर्न इंडिया की जो कंडीशन थी ड्यू टू नादिर शाह एंड अब्दालीज इन्वेजन, है ना, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, फिर मुगलों का पतन हो रहा है, तो कुल मिलाकर एक तरीके से पॉलिटिकल डिस इंटीग्रेशन की कंडीशन थी नॉर्दर्न इंडिया में।
तो ये अफगान जब अफगानिस्तान से उत्तर भारत पहुंचते हैं तो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और कुछ एरियाज में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। क्लियर। इसमें जो पहला राज्य था उसको हम फर्रुखाबाद स्टेट कहते हैं, और इस फर्रुखाबाद स्टेट की स्थापना की थी मोहम्मद खान बंगश ने, जिसको अहमद खान बंगश भी कहा जाता है, राइट, बंगश पठान बोलते हैं इन अफगानों को जो फर्रुखाबाद के आसपास बसे। अब ये जो फर्रुखाबाद है ये बेसिकली नॉर्दर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर शाहजहाँपुर, कन्नौज, मैनपुरी, एटा ये सारे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं, और कानपुर भी इसी से लगता है। क्लियर। तो इस पूरे जो एरिया था, इस एरिया में बंगश पठान ने या मोहम्मद खान बंगश ने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और उस वक्त जो मुगल रूलर थे वो थे फर्रुखसियर और उसके बाद मोहम्मद शाह, राइट। तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें रोहिलखंड स्टेट की, तो रोहिलखंड का जो स्टेट है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में जो आज का बरेली और उसके आसपास का एरिया, शाहजहाँपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, ये पूरा एरिया रोहिलखंड कहलाता है। और इस पूरे एरिया में एक एक अफगान सोल्जर था दाऊद, और उसका बेटा अली मोहम्मद, इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर एक स्वतंत्र अफगान राज्य की स्थापना की, राइट। और कारण वही था कि पॉलिटिकल कंडीशन जो हो गई थी यहाँ पर उसका फायदा उठाया इन्होंने, राइट। अगर कोई एक बहुत बड़ी शक्ति इस वक्त रही होती नॉर्दर्न इंडिया में तो ये संभव नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की कंडीशन है तो उस बात का फायदा उठाकर अफगानों ने अफगानिस्तान से आकर इन इन एरियाज में अपने राज्य की स्थापना कर ली, राइट। तो ये जो रोहिलखंड में अफगान राज्य की स्थापना हुई, इसकी जो कैपिटल थी, जो इनिशियल कैपिटल थी, वो बरेली में एक जगह पड़ती है आलोन, वहां पड़ती है, और बाद में ये कैपिटल रामपुर शिफ्ट हो जाती है, राइट। अब देखिए पॉलिटिकली अगर हम देखें, राजनीतिक रूप से ये जो अफगान राज्य थे इनका रोल काफी निगेटिव हमें दिखाई देता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण से। कारण ये था कि अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया तो रोहिल्लास, जिन्होंने रोहिलखंड पर शासन किया उनको रोहिल्लास कह दिया हमने, ठीक है, और जो बंगश पठान जिन्होंने फर्रुखाबाद रीजन में शासन किया, इन दोनों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली को इनका साथ मिला और उसने बहुत आसानी से मराठाओं को हरा दिया। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में जरूर आनी चाहिए कि एक तरफ जाट और मराठा आपस में मिल नहीं पाए, आपस में सहमति नहीं बन पाई, जिसका फायदा कौन उठाएगा, अब्दाली ने उठाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है तो बंगश पठान और रोहिल्लास दोनों के द्वारा उसका साथ दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर जाट और मराठा आपस में मिल गए होते तो संभवतः अब्दाली जीत ही नहीं पाता और भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। क्लियर। तो ये जो रोहिलखंड स्टेट था ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, और आगे चलकर अवध के शासकों से, मराठाओं से और इवन ब्रिटिशर्स से इनकी लड़ाइयां बराबर होती रहीं, और अंततः ब्रिटिशर्स ने ही फिर इस रोहिलखंड राज्य का अंत किया था, राइट। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के जो स्टेट से उनकी। इसमें आज हम पढ़ेंगे केवल राजपूत और केरल स्टेट के बारे में, मैसूर स्टेट को हम लोग बाद में अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए अगर राजपूतों की बात करें तो अकबर के समय से राजपूतों और मुगलों के संबंध स्टार्ट होते हैं और ये संबंध काफी कॉर्डियल रहे, राइट। दरअसल में अकबर को कहीं ना कहीं इस बात की समझ थी कि राजपूतों का समर्थन लिए बिना वो बहुत लंबे समय तक स्टेबिलिटी के साथ हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ थी, और इस बात को कहीं ना कहीं हुमायूं जो उनके पिता थे वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अकबर ने इस चीज को अच्छे से समझा और उसको ये भी पता था कि एक वॉरियर कास्ट के रूप में जाने जाते थे, एक योद्धा जाति के रूप में राजपूतों की पहचान थी। तो कहीं ना कहीं अकबर के मन में ये बात भी संभवतः रही होगी कि अगर इनका सपोर्ट उसे मिल जाए तो ना केवल उन उसकी सहायता से वो अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर सकता है बल्कि अपने साम्राज्य को काफी मजबूती भी दे सकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए उसने राजपूतों के साथ एक सहयोगात्मक नीति अपनाई, एक कोऑपरेशन की नीति अपनाई, राइट। अब देखिए अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राजपूतों से बराबर उसका संघर्ष होता और उस संघर्ष के कारण कहीं ना कहीं एक प्रकार की अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती, क्लियर।
तो मैंने जैसा आपसे कहा कि अकबर के समय मुगलों की राजपूत नीति की शुरुआत होती है जो कि काफी लंबे समय तक बनी रही। तो देखिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने राजपूत स्टेट के लिए इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी को अपनाया, अप्रत्यक्ष शासन की नीति को अपनाया, यानी किसी भी राजपूत स्टेट पर उसने प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं किया, राइट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी राज्य पर आक्रमण किया या किसी राज्य से बात की और उस राज्य के शासक से ये कहा कि अगर आप हमें एनुअल ट्रिब्यूट भेजते रहोगे, एक सबॉर्डिनेट शासक के रूप में, एक अधीनस्थ शासक के रूप में, आप हमें वार्षिक रूप से कर भेजते रहिए, जिसको उस वक्त पेशकश कहा जाता था, और तो हम आपको बिल्कुल भी आपके ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे और आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से रन कर सकते हो, यानी कि उनको इंटरनल ऑटोनोमी दी गई, उनको स्वायत्तता दे दी गई, राइट। शर्त केवल ये थी कि आप वार्षिक रूप से कर भेजते रहिए। तो ये पॉलिसी जो थी वो काफ़ी काम कर गई और राजपूतों का समर्थन हासिल हो गया अकबर को। इसके साथ साथ अकबर ने एक काम और किया, उसने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स के साथ मैरिज अलायंसेस किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूतों को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हायर रैंक पर अपॉइंट भी करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि इस तरीके से एक तरफ जहां राजपूतों को मुगल आक्रमण से खतरा नहीं रहा, राइट, और दूसरी तरफ मुगलों को भी इस बात से निश्चिंतता हो गई कि कम से कम अब राजपूतों की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है मराठों और राजपूतों के लिए, राजपूतों के बीच में, और इसका फायदा राजपूतों को भी मिला और मुगलों को भी मिला। राजपूतों को इस सेंस में मिला कि कहीं ना कहीं राजपूत स्टेट में भी, जो राजपूत स्टेट्स थे, जो राजपूताना था, वहाँ पर भी एक पीस दिखाई देती है, एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। आप सपोज करिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये संबंध नहीं बने होते राजपूतों और मुगलों के बीच में, तो संघर्ष होता, कभी मुगल आक्रमण करते तो कभी राजपूत आक्रमण करते और उस पूरे एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता। लेकिन कम से कम अकबर के समय हम ज़रूर देखते हैं, और अकबर के समय क्या बल्कि जहांगीर के समय तक भी हमें दिखाई देता है कि पूरे राजपूताना एरिया में एक प्रकार की शांति हमें दिखाई देती है, कुछ एक दो स्टेट को छोड़कर। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब पीस है, शांति है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन है, तब क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, उससे समृद्धि आती है, क्लियर। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जो अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, ये मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, राइट, उसका फायदा कहीं ना कहीं जब भी आप आंसर लिखेंगे दोनों पक्षों को बताइए कि एक तरफ जहाँ अकबर ने उसका फायदा उठाया या मुगलों ने फायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजपूताना को भी जरूर मिला, क्लियर। तो जैसा मैंने कहा कि उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल मिलिट्री में काफी हायर रैंक्स दिए गए, और मुगलों में जो जागीर सिस्टम होता था उसमें एक वतन जागीर होती थी, राइट। जागीर का मतलब किसी को सर्विसेज के बदले में लैंड दे देना और उस लैंड का जो रेवेन्यू है वो भी जो है उसको मिल जाएगा, राइट। तो जागीरों के कई प्रकार होते थे, उसमें एक जागीर होती थी वतन जागीर, राइट। तो ये जो वतन जागीर होती थी ये बेसिकली हेरिडेटरी होती थी और ये कुछ खास लोगों को ही दी जाती थी। हेरिडेटरी का मतलब है आनुवांशिक होती थी, आपको ये जागीर मिली आपके बाद आपके परिवार के, आपके पुत्र के या किसी और को मिल जाएगी, उसको फिर वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये वतन जागीर खास तौर से राजपूतों को दी जाती थी और अकबर ने ऐसा जानबूझकर भी किया होगा ताकि राजपूतों का समर्थन उसे बार बार मिलता रहे, राइट। अब देख अकबर को इसका काफ़ी फायदा मिला। अकबर के बहुत सारे अभियान आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुगल आर्मी को लीड किसने किया, राजपूतों ने किया, राइट। जैसे मानसिंह हो गए और कुछ अन्य ऐसे राजपूत नेता थे जिन्होंने कई अभियानों में मुगल सेना का नेतृत्व भी किया, क्लियर। लेकिन ये तो बात रही थी अकबर के समय की। अकबर के बाद कहीं ना कहीं जहांगीर के समय तक भी पॉलिसी ऐसे ही चलती रही और एक मधुर संबंध बने रहे राजपूतों और मराठाओं के बीच में। लेकिन शाहजहां के समय तक आते आते थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें इसमें दिखाई देता है, और औरंगजेब के समय तक तो आते आते ये जो संबंध थे इसमें काफ़ी हमें दिखाई देता है कि एक तरह से गिरावट आ जाती है और अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने बहुत सारे रथलेस कैंपेन किए राजपूताना में, राइट। अब बेसिकली हुआ क्या था, औरंगजेब के बारे में हमने देखा कि एक तो रिलीजियसली इनटॉलरेंस की पॉलिसी रही, धार्मिक असहिष्णुता की नीति रही, इससे पहले धर्म को लेकर कभी राजपूत और मुगलों के बीच में कोई इस तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ था या एक तरह से कोई
घृणा जैसी भावना नहीं थी, लेकिन औरंगजेब ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ये कहा जाता है कि थोड़ी कट्टर धार्मिक नीति अपनाई और जिससे सेंटिमेंट जरूर हर्ट हुए राजपूतों के, राइट। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि राजपूत लोग अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करें, खास तौर से मेवाड़ स्टेट की अगर बात करें तो मेवाड़ स्टेट ने ऐसा कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और उसने जब अपना विस्तार करना शुरू किया तो औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई और फिर उसने जो है राजपूताना में अभियान किए। तो कुल मिलाकर औरंगजेब के समय ये जो मधुर संबंध थे, इन मधुर संबंधों में कटुता आ जाती है और ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट था एक दूसरे के लिए, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं अब खो जाता है और इसका नुकसान मुगल साम्राज्य को काफ़ी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के लिए राइट हैंड का काम किया, दाहिने हाथ का काम किया, लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते ये जो राइट हैंड था वो एलिनेटेड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अब मुगल साम्राज्य से अलग हो जाता है। और जब हम मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी शामिल हो जाता है कि राजपूतों का जो समर्थन मिलता चला आ रहा था वो समर्थन अब बंद हो जाता है, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनता है। क्लियर। तो देखिए बेसिकली ये जो चेंज आया था उसमें कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी वो भी काफ़ी हद तक शामिल रही। जैसे कि औरंगजेब ने दोबारा से जजिया शुरू कर दिया, अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया था। जजिया यानी कि जो मुगल पीरियड में नॉन मुस्लिम्स से जो टैक्स लिया जाता था उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसको जजिया के नाम से जानते थे। तो जजिया का एबोलिशमेंट किया था अकबर ने 1564 में, औरंगजेब ने उसको दोबारा से जो है लागू कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे कहीं ना कहीं राजपूतों के सेंटीमेंट हर्ट हुए, और यही कारण है कि अब जो है वो एक तरीके से अलग हो जाते हैं मुगल साम्राज्य से, राइट। अब देखिए इस वक्त यानी 18वीं शताब्दी में जो सबसे इंपॉर्टेंट राजपूत शासक रहे उनका नाम है राजा सवाई जयसिंह, या जयसिंह सेकंड भी इनको कहते हैं, जो कि आमेर के शासक थे, राइट। अब इन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर से शासन किया, जयपुर इनकी राजधानी रही थी, राइट। अब देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन एंड रिफॉर्मर, यानी कि ये एक बहुत कुशल राजनेता और सुधारक थे, लेकिन इतिहास में मेनली इनको जाना जाता है इनकी साइंस में इंटरेस्ट के कारण और इनके एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनोमर होने के कारण, राइट। तो देखिए साइंस में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था, और कहा जाता है कि खास तौर से ऐसे समय में जब साइंस के बारे में या जो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हो रही थी उनके बारे में कोई अवेयरनेस इंडियंस में नहीं थी, लेकिन उस समय भी सवाई राजा जयसिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया, और यही उनकी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बनता है इतिहास में, राइट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनोमर थे, कहा जाता है कि उन्होंने खुद भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट किया था, और उन्होंने कुल मिलाकर 5 जगहों पर ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, यानी कि वेधशालाएं बनवाई, जिससे कि ग्रहों की स्थिति की गणना की जा सके, राइट। अब ये जो ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी इनको हम लोग जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ बनी थी, तो टोटल मिलाकर 5 जगह हैं। दिल्ली, राइट, दिल्ली के बारे में सबको पता है, जंतर मंतर काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जब भी प्रोटेस्ट की बात आती है तो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं आजकल, जंतर मंतर पहुँच जाते हैं, राइट। तो दिल्ली हो गया, उसके बाद फिर मथुरा, वाराणसी, जयपुर, राइट, और उज्जैन। तो ये 5 जगह थी जहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, वेधशालाएँ बनवाई, जिससे कि सो एज टू कैलकुलेट प्लैनेटरी पोजिशंस, ग्रहों की गणना की जा सके, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, और वो है ही ऑल्सो कंपाइल्ड अ टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस नोन एज जिज ए मोहम्मद शाही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गणनाओं की एक सेट, एक तालिका तैयार की, जिसको जिज ए मोहम्मद शाही के नाम से जाना गया, यानी कि इसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे प्लैनेट्स के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में, उनका एक सेट, एक टेबल उन्होंने तैयार कर दिया। तो जिज ए मोहम्मद शाही को आप लोग ज़रूर याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा भी गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात की, ऑल्सो ट्रांसलेटेड इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंटू संस्कृत इंक्लूडिंग यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद किया, जिसमें यूक्लिड की ज्यामिति भी शामिल है, राइट।
तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर। देखिए इसी तरीके से कहा जाता है कि एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो कुप्रथा थी, ये जो गलत परंपरा चली आ रही थी खासतौर से राजपूतों में, उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। देखिए होता क्या है कि राजपूतों में जब लड़की की शादी होती थी तो बहुत लेविश एक्सपेंडिचर किया जाता था, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया जाता था, और यही कारण है कि जब भी कोई लड़की जन्म लेती थी तो उसके जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, उसको एक बोझ की तरह देखा जाता था। इसलिए फीमेल इन्फेंटिसाइड की कुप्रथा जो है वो राजपूतों में काफ़ी प्रचलित थी। तो जब ये शासक बने सवाई जयसिंह सेकेंड, तो इन्होंने इस परंपरा को, इस कुप्रथा को रोकने का काफी प्रयास किया, राइट। इसी तरीके से कहा जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को और जान लेते हैं, और वो बात यह है कि सवाई जयसिंह सेकेंड ने विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता से, ये एक आर्किटेक्ट थे, एक वास्तुशास्त्री थे, इनकी सहायता से 1727 में जयपुर शहर का निर्माण करवाया, उसकी स्थापना की, राइट। तो जयपुर को वन ऑफ द फर्स्ट प्लान सिटी माना जाता है, एक ऐसा शहर माना जाता है जो काफी व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है, क्लियर। और बाद में उन्होंने जयपुर शहर में ही अपनी राजधानी भी आमेर से शिफ्ट कर दी थी, क्लियर। अब देखिए जयपुर ये जो शहर है इसको अभी हाल ही में यानी कि जून 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है पिंक सिटी के रूप में, राइट। और ये भारत का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पहला भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हमने अपना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। तो इफ़ यू रिमेंबर कि वो फर्स्ट सिटी कौन सा था तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताइएगा, राइट। ये करंट से जुड़ी हुई चीज़ थी जयपुर शहर के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दी कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया, राइट। तो ये राजपूत स्टेट के बारे में हमने जाना 18th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं केरल राज्य की, केरल स्टेट की। तो देखिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये जो केरल राज्य था यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय सरदार थे और छोटे छोटे राजा भी थे, राइट। अब इसमें से चार इंपॉर्टेंट स्टेट के नाम हमें दिखाई देते हैं और वो हैं कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर, राइट। ये कालीकट वही जमोरिन वाला कालीकट है, राइट। जब वास्को डिगामा आया था 1798 में तो कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, राइट। तो ये चार स्टेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इसमें भी जो सदर्न मोस्ट स्टेट था, जो सबसे दक्षिणी राज्य था त्रावणकोर, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा। खासतौर से मुगलों ने जब अभियान किया था दक्षिण भारत में तब भी त्रावणकोर जो है उनके राज्य में कभी शामिल हुआ, उनके प्रभाव में कभी नहीं आया और वो हमेशा स्वतंत्र बना रहा। इसी तरीके से आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में, जब हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण होता है और मालाबार और कालीकट इन सारी स्थानों पर जब हैदर अली के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, उस वक्त भी त्रावणकोर बचा रहा और हैदर अली उस पर अधिकार नहीं कर पाया था, राइट। अब ये जो त्रावणकोर स्टेट था इसकी दो कैपिटल्स के नाम मिलते हैं। इसकी जो पहली राजधानी थी दैट वाज पद्मनाभपुरम, जो कि बाद में ट्रांसफर कर दी गई कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, क्लियर। अब त्रावणकोर स्टेट के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जो प्रमुख रूप से स्थापित हुआ 1729 में, एक राजा हुए यहाँ पर मार्तंड वर्मा, उनके समय में इसने प्रोमिनेंस प्राप्त की। अब ये जो मार्तंड वर्मा थे इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कन्याकुमारी से कोचीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये साम्राज्य के विस्तार से पहले उन्होंने एक मॉडर्न आर्मी उन्होंने इकट्ठा की जो कि वेस्टर्न लाइंस पर आधारित थी, पश्चिमी तर्ज पर आधारित थी, राइट। और ये भी कहा जाता है कि ही डिफीटेड द डच एंड एंडेड देयर पॉलिटिकल पावर इन केरला, कि इन्होंने डचेस आ गए थे और डचेस साउथ में काफ़ी प्रभावशाली थे तो खास तौर से केरल में इन्होंने डचों को हरा दिया था और उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था डचों का केरल में उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, राइट। अब मार्तंड वर्मा के बाद जो अगले शासक हुए, इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो थे राम वर्मा, राइट। उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड लर्निंग इंक्लूडिंग वेस्टर्न नॉलेज, कि वो काफ़ी रचनात्मक व्यक्ति थे, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और उनको पश्चिमी ज्ञान भी काफ़ी ज़्यादा था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फ्लुएंटली
अंग्रेजी भाषा में बात करते थे, और बहुत सारी जगह से जो न्यूज़पेपर उस वक्त प्रकाशित होते थे, लंदन, कैलकटा, मद्रास, तो वहाँ के न्यूज़पेपर को भी वो डेली पढ़ा करते थे, राइट। अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने त्रिवेंद्रम को या तिरुवनंतपुरम को कला और विद्या का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर उस समय बना दिया था, राइट। अब इनकी डेथ के बाद, लेकिन ये जो त्रावणकोर का स्टेट था, इसकी जो इसका जो गौरव था, इसकी जो प्रतिष्ठा थी, वो काफ़ी कम हो जाती है, और इस वक्त तक आते आते अंग्रेज भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और इस राज्य को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, और 1800 AD में वो उस पर सब्सिडरी अलायंस को डिक्टेटेड कर देते हैं, सहायक संधि थोप देते हैं, क्लियर। और इस तरीके से ये जो त्रावणकोर का स्वतंत्र राज्य था उसकी कहीं ना कहीं समाप्ति हो जाती है, राइट। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ छोटे छोटे स्टेट्स को कवर किया, और अब आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एंड दैट इज द मराठा एम्पायर। तो ये जो मराठा साम्राज्य है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा भी है, तो इसलिए हो सकता है कि हम इसको एक से ज़्यादा वीडियो लेक्चर में कवर करें, राइट। अब मैं यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाएं। तो देखिए, जब हम मराठा एम्पायर को एंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक के पोर्शन को कवर करेंगे, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइम पीरियड से पूछे जाते हैं, राइट। तो जब हम मराठा कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहीं से फिर नेक्स्ट अपने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, राइट। थैंक यू।